हेलो फ्रेंड्स, आई एम माधवेंद्रपति त्रिपाठी। आज फिर से बेसिक कैलकुलेशन के सीरीज में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बाद हम डिवीजन पर पहुंच चुके हैं। बाकी अदर वीडियोस को आप देखने के लिए हमारे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसके लिंक को देख सकते हैं। अब हम डिवीजन की बात करें तो पहले हम सिंपल डिवीजन की बात करते हैं कि कैसे हम सिंपल डिवीजन करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें पता, जब भी हम डिवीजन करते हैं तो जिस वैल्यू से हम नंबर को डिवाइड करते हैं वो हमारा डिवाइजर है। जो वैल्यू डिवाइड होती है वो वैल्यू हमारी डिविडेंड है, और जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारा जो रिजल्ट होगा वही कोशेंट होगा, और जो वैल्यू लास्ट में बचती है रिमेनिंग उसी को हम रिमाइंडर कहते हैं। इन सभी जो पॉइंट्स हैं इनके बीच में कुछ रिलेशन है, तो जरा इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। इनके बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी नंबर हम ले लेते हैं कि हमें 10 को डिवाइड करना है 2 से, तो आपको पता है कि हम जब भी कोई नंबर डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम सिंगल डिजिट देखते हैं जो 10th प्लेस पर है कि वो नंबर क्या 2 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर डिवाइड नहीं हो पा रहा क्योंकि ये वैल्यू 2 से छोटी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों डिजिट ले लिया यहाँ पर, तो ये डिजिट डिवाइड हो जाएगी 2 5 10 से और ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0। अब देखो, ये आपका डिवाइजर था, ये वैल्यू आपकी डिविडेंड थी, और ये वैल्यू आपकी कोशेंट हो गई, और ये वैल्यू आपकी रिमाइंडर हो गई। जरा इसे हम इस फॉर्मूले में रख करके देखते हैं क्या ये डिविडेंड इन सब वैल्यू के इक्वल आ रहा है। तो डिविडेंड हमारा 10 है, ठीक है, इक्वल टू डिवाइजर हमारा 2 है, ठीक है, कोसेंट हमारा 5 है तो इंटू 5 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या है हमारा 0 है। इन सबको जरा ऐड करो, देखो जरा 10 तो इधर है ही, 2 × 5 पहले हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 2 × 5 क्या हो जाएगा 10, 10 + 0 10, नाउ 10 = 10, तो मीन्स ये वेरीफाई हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, आप इससे कोई भी एक वैल्यू मिसिंग हो तो आप निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको डिविडेंड ना दिया हो, ये सारी वैल्यू गिवेन हो तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, रिमाइंडर ना गिवेन हो, कोसेंट डिवीजर और डिविडेंड गिवेन हो तो आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी एक वैल्यू मिसिंग है तो अदर उस वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो चलिए हम जरा सिंपल डिवीजन करते हैं कुछ, ठीक है, उस एग्जाम्पल से ही हम पूरे डिवीजन को समझेंगे। 5-6 एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। पहले एक एग्जाम्पल है, मान लो कोई नंबर है 245, इसको हमें डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। अब देखो जरा, सबसे पहले 5 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला डिजिट लेंगे यहाँ पर, पहला डिजिट जो दिख रहा है हमें यहाँ पर वो 5 से छोटा है, ठीक है, डिविजिबल नहीं होगा, तो हमने क्या किया, 2 नंबर ले लिए हमने। अब ये नंबर 5 से बड़ा हो चुका है, अब इसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स में जाएगा, 5 4 = 20, 5 5 = 25, तो मीन्स ये 5 4 = 20, 4 टाइम्स में जाएगा, और यहाँ पर 24 से 20 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 से 0 4, 2 से 2 कैंसल हो गया, ये 4 हमारा रिमाइंडर बचा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जरा, अब हमने क्या किया, इस नंबर को 45 को यहाँ पर प्लेस कर लिया, क्योंकि ये देखो 4 जो है 5 से वैल्यू इसकी छोटी है रिमाइंडर, ठीक है, तो रिमाइंडर छोटा हुआ। अब हमने 5 को यहाँ प्लेस किया, अब क्या करेंगे हम, 45 हो गया, 5 से फिर से इसे कट करना है, तो 5 9 = 45 और ये कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले 1 डिजिट लोगे, अगर 1 डिजिट भी इससे छोटा है 2 डिजिट ले लोगे, अगर 2 भी छोटा है तो हम तीसरा डिजिट यहाँ से ले लेते हैं। अब जरा आते हैं कुछ अदर एग्जाम्पल पर, जैसे मान लो कि कोई नंबर है 216, इसे डिवाइड करना हो आपको
टू से। मोस्टली स्टूडेंट्स इसे गलत कर देते हैं, कैसे देखो जरा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगल डिजिट देखेंगे, टू से डिविजिबल है, यस डिविजिबल है, तो टू वन जा टू, कैंसिल कर दिया हमने। अगेन हमें एक डिजिट उतारना है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधे से टू एट जा सिक्सटीन कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, इसमें हम पहले सिंगल डिजिट जो वन है इसको यहाँ पर हम प्लेस करेंगे। अब ये वन जो है वो टू से क्या है, छोटा नंबर है, और ये रिमाइंडर नहीं है। यहाँ भी गलती क्या करते हैं हम, अगर वन वैल्यू छोटी है तो हमने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया और तब यहाँ पे जीरो बढ़ा दिया, ये भी गलत तरीका है। पॉइंट हमेशा हम तभी लगाएंगे जब ये वैल्यू रिमाइंडर हो, जब रिमाइंडर यहाँ पर होगा, ठीक है, लेकिन ये रिमाइंडर नहीं है। तो हमें इस डिजिट को यहाँ पर उतारना है सिक्स को। तो कुछ और मिथ है लोगों के बीच में कि वो कहते क्या है कि हमें दो नंबर उतारना है इसलिए हम यहाँ पर जीरो लगाते हैं, कि दो नंबर उतारने के लिए हमें यहाँ पर जीरो लगाना पड़ता है। तो अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, ये फंडा कि दो नंबर उतारने के लिए हमें यहाँ पर जीरो लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अभी आगे कुछ एग्जाम्पल और मैं सॉल्व कराऊंगा तो उसमें आपको वो फंडा चलेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो जरा, अब यहाँ पर वैल्यू वन है, टू से डिवाइड होगी नहीं, ठीक, टू वन जा भी करोगे तो भी ये टू हो जाएगा, इससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हम करते क्या हैं, हम जीरो टाइम में इसको कट करते हैं, ठीक है, क्योंकि याद रहिए वैल्यू रिमाइंडर नहीं है, इस वैल्यू को हमने ऊपर से यहाँ प्लेस किया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, टू जीरो जा जीरो, अब वन से जीरो को सब्ट्रैक्ट करोगे ये वैल्यू हो जाएगी वन, अब ये रिमाइंडर वन बचा यहां पर। अब हम क्या करते हैं, सिक्स को नेक्स्ट नंबर को यहां पर उतारते हैं, तो ये नंबर हुआ 16, अब हम इसे कट करेंगे, टू एट जा 16। तो ये दो डिजिट उतारने का तरीका असल में ये है। ठीक है, तो समझ में आ गया, क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ और एग्जाम्पल्स इसको जरा देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास है, हम 6 to 5 को डिवाइड करते हैं 3 से, 6 to 5 इसे हम डिवाइड करेंगे 3 से। अब यहाँ देखना, वो जीरो की जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो भी इस डिवीजन में आ जाएगा, और डेसिमल को भी लेना इसमें आप सीख जाओगे। 3 से अगर हम डिवाइड करें, सबसे पहले वन डिजिट लोगे, 6 डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 3 2 6 कैंसिल हो गया। नाउ 2 को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, रिमाइंडर 0 है, 2 हमने प्लेस किया है, बार बार कह रहा हूँ ये रिमाइंडर नहीं है। ठीक है, 2 को प्लेस किया, अब देखो जरा 3 से 2 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हमें कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा, क्या करें। अब हमें फिर से वही कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा कि दो नंबर को उतार दें तो यहाँ पर जीरो रखते हैं, तो मत सोचो ऐसा। 2 अगर इसे डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम 3 से 0 टाइम में इसको डिवाइड करते हैं, 3 0 0, और ये जब सब्ट्रैक्ट करोगे 2 से माइनस 0 तो इसकी वैल्यू अगेन 2 होगी। अब ये वैल्यू आपकी रिमाइंडर है, अब ये रिमाइंडर है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर यहाँ पर प्लेस करोगे नीचे 25, 3 से कट करो 25 को, कितने बार हो जाएगा, 3 8 जा 24, 5 से 4 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा। अब देखो ये बचा, मैंने बोला ना 1 बचा, मतलब ये आपका रिमाइंडर है, 1 इज रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर है। तो अब क्या करोगे, अब इसके लिए कोई नंबर भी नहीं है, हमें यहाँ पर पॉइंट लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और यहाँ पर 0 बढ़ाया, देन 3 3 जा 9, अगेन 1 बचा, अभी ऐसे रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो ये एक इस तरह का एग्जाम्पल था। आओ एक और एग्जाम्पल लेते हैं जरा सिंपल, जैसे एक नंबर है 7 से हम डिवाइड करें, 7 7 3, हर तरह के मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे भी एग्जाम्पल आपको एग्जाम में कहीं भी कैलकुलेशन के टाइम में आ सकते हो, ताकि आप कहीं भी बीच में ना फंसो,
ठीक है, सेवन से हम डिवाइड करेंगे अगेन, वन नंबर लोगे एक नंबर, सेवन वन जा सेवन, सेवन से सेवन को सब्ट्रैक्ट किए, कैंसल हो गया। अब हमने क्या किया, सेवन को यहां पर प्लेस कर दिया, सेवन रिमाइंडर नहीं है, सेवन एक नंबर है, ठीक है। अगेन सेवन सेवन से कैंसल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सेवन वन जा सेवन, अगेन ये कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा थ्री, थ्री को हमने यहाँ पर प्लेस किया, थ्री इज नॉट रिमाइंडर, ये एक नंबर है जो हमने ऊपर से यहाँ नीचे की तरफ प्लेस किया है। तो अब थ्री ये नंबर सेवन से स्मॉलर है, ये ग्रेटर नंबर है इधर, तो अब हम क्या करेंगे, अब तो यहाँ दो नंबर भी नहीं है उतारने के लिए, कि दो नंबर यहाँ पर उतारोगे, जो कॉन्सेप्ट आपने रखा था कि दो नंबर उतारते हैं तब यहाँ पर जीरो बढ़ाते हैं, यहाँ तो एक ही नंबर है, कोई नंबर भी नहीं है कि हम उसको यहाँ पर उतार सके, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो अब समझ में आना चाहिए अब हमें किससे इसको डिवाइड करना है, सेवन वंजा भी करोगे तो सेवन हो जाएगा जो कि इससे ग्रेटर होगा, तो हम सेवन से इसको जीरो टाइम में इसको डिवाइड करेंगे, तो सेवन जीरो जा जीरो, और ये थ्री से जीरो माइनस करोगे तो वैल्यू थ्री आएगी। अब ये जो थ्री है ये आपका रिमाइंडर है, अब आप फ्री हो। अब रिमाइंडर जब भी आएगा आपके पास, रिमाइंडर अगर इससे छोटा है, रिमाइंडर जब भी इससे छोटा है, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा करके इस रिमाइंडर इस नंबर के आगे हम जीरो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, और ये कैंसिल होगा, टू कैरी यहाँ बचेगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हर तरह के जो सिंपल डिवीजन है, जीरो की वैल्यू हम कैसे पुट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ओके, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।